निकालने वाली बीमारियों के लिए आपको मदद करेगी, उनसे लड़ने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो मॉडर्न मेडिसिन के पास अवेलेबल नहीं है। जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न मेडिसिन के पास है वो उनने चला रहे काम, मैनेज कर रहे हैं उनको, फिर भी बचा नहीं पा रहे। लेकिन अफसोस की बात है, जहाँ पे जिस पाथी में, जो हायर टेक्नोलॉजी वाले पाथी होम्योपैथी में रिसर्च होना चाहिए इन नए दवाइयों के ऊपर, जो कि जानलेवा बीमारियों, कैंसर जैसे, एड्स जैसे जानलेवा बीमारियों को क्योर कर सकता है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, ना सरकारी स्तर में ना बेसरकारी स्तर से कहीं पर रिसर्च नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है। जितना भी रिसर्च हो रहा है फॉरन में हो रहा है, और वो भी क्लिनिकली रिसर्च हो रहा है, क्लिनिकली सक्सेस मिला है बहुत सारे रिजल्ट में, यहाँ तक कि कैंसर को भी उन्होंने कुछ हद तक क्योर करके दिखाया है, जो अभी अभी शुरू हुआ है। तो और भी रिसर्च होना बाकी है इसका, और मुझे लगता है कि इस पे अगर रिसर्च हो तो कैंसर को, कितने भी फोर स्टेज का कैंसर हो या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैंसर हो या फिर एड्स हो, हेपेटाइटिस भी हो, ऐसे कई अनगिनत जो वायरल डिजीजेस है उनके साथ लड़ सकता है ये दवा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, इसमें हम नए दौर के नए दवाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, न्यू मेडिसिन फॉर न्यू डिजीजेस एंड ऑल्सो फॉर ओल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। पुरानी बीमारी हो, नई बीमारी हो, जो भी क्योरेबल नहीं होता पुरानी दवाइयों के साथ, इन नई दवाइयों के साथ आप उनको क्योर कर सकते हैं। उसी संदर्भ में हम सीरीज बना रहे हैं नोजोर सरकोर्स एंड इम्पोन्ड्रेविलिया का। मैग्नेट्स के बारे में भी हमने सीरीज कंप्लीट कर लिया है, तीन इंपॉर्टेंट था, नॉर्मल पूरा का पूरा मैग्नेट का एनर्जी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारे हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम बचा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट इम्पोन्ड्रेविलिया सोर्सेस, जो एनर्जी सोर्सेस है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों को पोटेंडाइज करके बनता है सॉल। सॉल जो मेडिसिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों में ये असरदार है। ऐसे भी बहुत सारे दवा के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में चर्चा किया है जो कि घातक बीमारियों से लड़ने की शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को इनका सहायता चाहिए, और सरकार की तरफ से हम आग्रह करते हैं कि वो ज़रूर इसके ऊपर कुछ कोशिश करें, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आज का जो इम्पोर्टेंट दवाई है सॉल, सूरज की किरण, जो तेज सूरज की किरण है उसको पोटेंडाइज करके सुगर मिल के थ्रू डाला जाता है, फिर उसको स्टीर किया जाता है ग्लास रॉड में। जब वो पोटेंडाइज होता है, उसको प्रूव किया गया और क्लिनिकली बहुत बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स आए, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट बीमारियों के ऊपर ये इसका इफेक्ट ज्यादा है, क्लिनिकली सक्सेस रेट मिला है, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा, कुछ चीफ इसके सिम्टम्स बताऊंगा, जैसे सर से लेकर पांव तक इंपॉर्टेंट इसके पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में बताऊंगा। अच्छी तरह से देखिए, आपकी जान बचा सकता है, और ऐसे बहुत सारी बीमारियों को ये क्योर कर सकता है जो पुरानी दवाइयों के पास पॉसिबल नहीं था या फिर मॉडर्न मेडिसिन के पास अवेलेबल नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि सॉल सनलाइट से बनता है, यूज्ड फॉर डिजीज कॉज बाय, जो साइड इफेक्ट है एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट, तेज सूरज की किरणों से एक्सपोजर कंटिन्यूसली जो लोग होते हैं उनको, जो जो बीमारियां होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सॉल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। अब डिजीज के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो कैंसर, फ्रिकल्स, हेडेक, ल्यूपस, पैरालिसिस, सनबर्न, सनस्ट्रोक, स्नीजिंग, मोल्स, अल्सर्स, बाथ मार्क्स, स्कार्स, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जिस सेक्टर में इसको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला है। ये बीमारियां एक एक करके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाया है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, तो फायदेमंद हुआ है, पोटेंसी के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं जो चीफ इसके सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलर सिम्टम है सॉल का, सूरज की किरणों से बनता है सॉल। माइंड से अगर हम देखें तो इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ज्यादा एंसियस होता है, जानने की कोशिश करता है हमेशा ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उसके मन में वो उद्दीपना होती है, वो एक्साइटमेंट होता है। फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है हर चीज में, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कल के जो हमारा नया चैनल में वीडियो था इडियोसिंक्रेसी के ऊपर, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव पर्सन है ये। नेक्स्ट आता है जब सर के ऊपर हम देखते हैं, जैसे आप सूरज की गर्मी, धूप, तेज धूप से अगर गुजरते हैं तो सर दर्द होने लगता है, खास करके टॉप के ऊपर जहां पर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती है, एक्सपोजर होता है, वहां पर ज्यादा सर दर्द होता है, वो सामने की तरफ आता है माथे पे और साइड में बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, तो इसके तरफ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और इसको भी क्योर करता है, जो चीजें प्रोड्यूस करता है वो उस बीमारी को क्योर कर सकता है। ये होम्योपैथी का फलसफा, ये फंडामेंटल चीज है होम्योपैथी का, इसको ऊपर नजर रखें। नेक्स्ट, आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा जब तेज सूरज की किरणों में आप चलते हैं तो इरिटेशन होता है आंखों में धुंधलापन आ जाता है, और वो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है आंखों में, आंखें लाल पड़ जाना,
पानी बहना, ये सब हो सकता है, तो उसमें भी ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट, जब हम कान की बात करें, कान में खास करके बाएं कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, जो कि नाक की तरफ अंदरूनी तौर से साइनस से होकर नाक की तरफ ज्यादा गुजरता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नाक की हम अगर बात करें, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सूरज की धूप में गुजर रहे हैं, बहुत समय तक एक्सपोजर हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, आपका बॉडी में हीट आ जाएगा, गर्मी में आप झुलस जाते हैं तो छींके आती है, सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, तो गर्मी के कारण अगर जुकाम पकड़ लेता तो छींके बार बार आती है, अनकंडीशनल मतलब इनटॉलरेबल, बहुत ज्यादा आप टॉलरेट नहीं कर पाते, इस हद तक छींके आती है, स्नीजिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। थ्रोट में भी सोर थ्रोट है, गले में दर्द होना, बात नहीं कर पाना, तो सूजन होना, ये सब के लिए भी असरदार है। नेक्स्ट हम आते हैं माउथ के ऊपर, मुंह सूख जाता है जब आप धूप में बहुत समय तक काम करते हैं या फिर एक्सपोजर होते हैं गुजरते हैं, तो वहां पर आपका मुंह सूख जाता है, ये कॉमन सिम्टम है इसका। और डिफिकल्ट इन टॉकिंग, बात नहीं कर पाता, सूखा मुंह जब सूख जाता है तो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाता, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट आता है स्टमक के ऊपर, खाली खाली सा महसूस होता है, पेट खाली खाली सा महसूस होता है, गैस भरा हुआ रहता है, हार्ड होके पूरा फूल जाता है पेट, और वो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा असरदार है। रेक्टम की अगर हम बात करें तो कब्जियत बहुत ज्यादा रहती है, कब्ज रहता है, प्रॉपर तरीके से स्टूल साफ नहीं होता, बढ़िया असरदार है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन जाने की हाजत रहना, चाहे कजरी फैक्टर कोई भी हो, अंदर वो इरिटेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको बार बार यूरिन जाने की हाजत रहती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है कमर में और गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होती है, अकड़न होती है, जैसे रस्टॉक्स में आपको मिलेगा, अकड़न बहुत ज्यादा होती है, दर्द होती है, वो चल फिर नहीं पाता, उसको बहुत भयानक दर्द होता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पांव में स्टिफनेस आती है, जॉइंट्स में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि कोई मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा भयानक पूरे शरीर में सारे हड्डियों में जॉइंट्स में दर्द होता है, और हाथ और पांव पर ठंडा पड़ जाता है, जब जरूरत से ज्यादा हीट हो जाता है बॉडी, तो उसका जो टेम्परेचर वो सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, बिगड़ जाता है, हाथ और पांव ठंडे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा असरदार है। पसीना बहुत ज्यादा आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, और स्किन के केसेस में जब आप बात करें, अल्सर्स, स्किन के कैंसर्स, उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, किसी भी तरह का अगर सूरज की गर्मी से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, एक्सपोजर होने से ज्यादा बढ़ता है, एग्रावेशन होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। अब हम सॉल की बात करते हैं, बहुत ज्यादा जो हमने क्लिनिकली इसका एक्सपीरियंस किया है, 200 पोटेंसी बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है, एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो मेडिसिन है, सिम्टोमेटिकली आप देखना जो जो मेडिसिन इंडिकेटेड है 100% वो एक्शन करेगा, और उसको सबसे पहले आप यूज करना। अगर अनकंडीशनली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्टेकल्स क्योर है, वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं हो पा रहा, तो सॉल को, अगर वो सिम्टोमेटिकली मैच होता है, तो सॉल जो सनलाइट से बनता है, उसको आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, मतलब बीच में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो 200 को कैसे इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार, 1 दिन यूज करें, अगर उतना सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कैसे, तो सिंगल डोज में काम हो जाएगा, 200 का सिंगल डोज, अगर नहीं है तो दिन में 2 बार करके 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं लेना, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वानन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगल डोज में ही काम हो जाएगा, या फिर आप उसको एलएम पोटेंसी की तरह 200 को थोड़े पानी में मिलाकर, डिस्टिल वाटर में 100 ml को 1 या 2 बूंद डालकर, उसको फिर स्ट्रोक देकर, 10 स्ट्रोक देकर हर बार, अब उसको एलएम पोटेंसी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, और बीमारी को धीरे धीरे करके पूरा क्योर करता है। तो कैंसर और जो जो बीमारी हो, फ्रिकल्स, हेडेक, लिपोस, पैरालिसिस, सनबर्न, सनस्ट्रोक, ये जितने भी हमने कहा, अल्सर्स और बर्थ मार्क्स, मोल्स, स्कार्स, इन सब में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। 200 दीजिए या फिर 1 ml दीजिए, रिपीट ज्यादा मत करें, एग्रावेशन हो सकता है, तो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप इसका इस्तेमाल करें, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। बाकी के मेडिसिन, पुराने मेडिसिन भी यूज करें, लेकिन इसको बीच बीच में यूज करें, रिजल्ट बढ़िया आता है और बीमारी को क्योर करता है। जो बीमारी क्योरेटिव नहीं है, उसको ये बढ़िया मैनेजमेंट करता है। कैंसर जो कि लास्ट स्टेज में मैनेजमेंट बढ़िया होता है, इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसी दवाई हैं जो रेडिएशन से बनता है, पहले हमने डिस्कस किया है, चाहे एक्सरे हो, रेडियम ब्रोमाटम हो, ऐसे बहुत सारे कई मेडिसिन हैं जो कि कैंसर में ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, और इसका इस्तेमाल भी होता है, उसके साथ सब मिला जुला कर इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉपर वे में, स्टेप बाय स्टेप, जो क्लिनिकली ज़्यादा सिम्टोमेटिकली मैच होता है, सिमिलिमम होता है, वो आप यूज कीजिए, रिजल्ट बढ़िया आता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट मेडिसिन सॉल, जो कि सनलाइट से बनता है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा, बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। पुराना जो चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पड़ी, ये वाला, और 2 नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल,
और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से क्लिनिकल टिप्स आप तक डिलीवर कर रहे हैं ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।